अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ आलू के पकौड़े और कांदे के पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये पकौड़े भी। यहाँ मैंने एक लार्ज पटेटो ले लिया है और इससे स्लाइस में कट कर लिया है। ये देखिए, ये मैंने कोई स्लाइसर यूज़ नहीं किया है, ये मैंने खुद ही किया है नाइफ़ की मदद से। तो आप खुद भी नाइफ़ की मदद से इस तरह से आपके पटेटोस को कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है, इसमें आप सॉल्ट ऐड कर लेंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब। ये गरम मसाला है, इसे भी ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है इसमें, और साथ ही में 1/2 टीस्पून हम चाट मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। चिली फ्लेक्स है ये आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है 1 टेबल स्पून। इस तरह से आप इसमें ऐड कर देंगे और पानी ऐड कर देंगे। 1 कप मुझे पानी लगा था इस बैटर को रेडी करने के लिए। आप कोई भी विस्क की मदद से या नहीं स्पून की मदद से इसे रेडी कर सकते हो, हाथों से भी रेडी कर सकते हो आप इस बैटर को। इस तरह से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। साथ ही में मैंने फ्रेश कोरिएंडर ऐड किया है, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर इस तरह से होना चाहिए। अभी हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहिए तो इसे ऐड कर सकते हो, अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप इसमें मत ऐड करिए। इसके बिना भी आपके पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। तो इसे भी मैंने मिक्स कर लिया है। हमारा बैटर अभी रेडी हो गया है। यहाँ पर ऑयल ले लिया है मैंने फ्राई पैन में। जब ऑयल हमारा गरम हो जाए तो हम ये पटेटो जो हमारे पकौड़े हैं वो ऐड कर देंगे इसमें। एक एक करके आप डालिए, जितना आपका स्पेस हो उसमें उस इसके अकॉर्डिंगली आप इसमें ऐड कर सकते हो। ऑयल जो है वो मीडियम टू हाई हीट पे है। आपका पकौड़ों को अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लेना है दोनों साइड से। इस तरह से आप करते जाइए। ये देखिए हमारे पकौड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से आप इसे रेडी कर सकते हो। ये देखिए हमारे पटेटो वाले पकौड़े रेडी हो गए, कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर मैंने सेम बैटर में अनियन के पकौड़े भी रेडी कर लिए थे। ये देखिए, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, जस्ट अनियन को कट करके इसमें ऐड कर दिया था, स्लाइस अनियन को। और मैंने एक 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 इसमें डाल दिया वही सेम ऑयल में। और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से आप अच्छे से इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने घर पे बनाया है, इतने टेस्टी आपके पकौड़े बनेंगे। तो इस तरह से हमने एक ही बैटर में दोनों पकौड़े रेडी कर लिए बिना कोई मेहनत के। या आप देख सकते हो कि हमारे आलू के पकौड़े और कांदे के पकौड़े दोनों ही कितने क्रिस्पी और लाजवाब बने हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।